गाजर खाने में बहुत टेस्टी होती है। इससे इसके अंदर बहुत सारे विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं। आज हम गाजर से ही आपके साथ बहुत ही हेल्दी और सुपर टेस्टी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने ये तीन गाजर ली हैं, धुलकर रेडी कर ली हैं। सबसे पहले हम महीन वाले कद्दूकस से इसको ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, हमने महीन वाले कद्दूकस से ग्रेट करें। और हाँ फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए हम आपके साथ एक टिप्स शेयर करेंगे। हमेशा आपको इसी तरीके की पतली ही गाजर यूज करनी है। मोटी वाली गाजर का इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि उसमें सफेद पार्ट बहुत होता है, तो हमारी जो रेसिपी है उसका टेस्ट अच्छा नहीं है आएगा। इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमने गाजर को रेत कर रेडी कर लिया है। और हमने अब ये एक ग्लास से थोड़ा ज्यादा दूध लिया है। दूध को पहले से गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था। ये देखिए, सारी गाजर डाल देंगे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर प्रेस और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, हम इस अपने चैनल पर वेज रेसिपीज, टिप्स एंड ट्रिक्स लाते रहते हैं। ये देखिए, गाजर हमने डाल दी है। गाजर हमने डाल दी है। अब हम इसको मीडियम टू लो गैस पर, धीमी धीमी गैस पर पकने देंगे। ये देखिए, खीर हमारी अच्छे से खोल रही। अब हम इसके अंदर 3 से 4 चम्मच ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल देंगे। केसर के 3-4 धागे डालेंगे और 1 बड़ी इलायची छील कर डालेंगे, सॉरी छोटी इलायची। और ये हमने 1 कटोरी मखाने लिए, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। कटोरी मखाने लिए थे उसको भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। और इसको हम फिर से मिक्स कर देंगे और 2 से 2-3 मिनट हम इसको इसी तरीके से पकने देंगे, ताकि सारी चीजों का फ्लेवर इसमें अंदर अच्छे से घुल मिल जाए। चीनी अभी हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, चीनी हम ठंडी करने के बाद डालेंगे। और हाँ दोस्तों, हम आपको फिर से एक बार याद दिला दें, अगर आपको हमारी बनाई रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर प्रेस और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और कमेंट में बताइएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं और आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती हैं। ये देखिए, थोड़ी से दूध में हमारी कितनी टेम्पटिंग मिठाई बनकर रेडी हो गई। अब हम इसके अंदर मीठा ऐड कर देंगे। ये देखिए, हमारे घर में मिश्री खाई जाती है, इसलिए हम इसके अंदर मिश्री डाल रहे हैं। आप इसकी जगह चीनी भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पिस्ता ऐड किया है। ये देखिए, हमारी खीर कितनी सुंदर लग रही है। फ्रेंड्स, आप भी बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी बनाई रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।